हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया वो आरती इंडस्ट्री से लेटेस्ट न्यूज टॉप टू बाय नाउ। रिसेंटली स्टॉक में करेक्शन 900 रुपये से लेवल से 740 के लेवल तक ये स्टॉक आ चुका था और अब 770 780 के लेवल्स पे पिछले 4 से 5 दिनों से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एक महीने का हाई देखे तो 920 का था, बॉटम था 730 का। और रिसेंटली एक बढ़िया न्यूज आया है आरती इंडस्ट्रीज की तरफ से कि डीमर्जर हो रहा है आरती इंडस्ट्रीज और आरती फार्मा के बीच में। आपके अगर अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल 4 आरती इंडस्ट्रीज के शेयर है तो उसके सामने आपको एक शेयर आरती फार्मा का मिलेगा। तो आरती इंडस्ट्रीज आरती फार्मा दोनों अब डीमर्जर हो, दोनों सेपरेट हो रहे हैं, टोटल डीमर्जर हो रहा है, उस हिसाब से अच्छा मोमेंटम बनेगा। और क्योंकि काफी करेक्ट हो चुका है स्टॉक ऊपर के लेवल्स पे तो एक टेक्निकली बाउंस बैक बनता है, रिट्रेसमेंट बनता है स्टॉक में। और क्योंकि जैसे आज के दिन मैंने टाटा केमिकल्स में अब स्टॉक बताया था, ओवरऑल केमिकल सेक्टर अच्छा बुलिश मोमेंटम में दिख रहा है। यूपीएल की बात करें, टाटा केमिकल्स की बात करें, फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें, दीपक नाइट्रेट की बात करें या फिर आरती इंडस्ट्रीज की बात करें, सभी स्टॉक्स मोमेंटम में दिख रहे हैं। और आरती इंडस्ट्रीज का प्लस पॉइंट ये है कि स्टॉक काफी ऊपर से करेक्ट हो चुका है तो अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तब जाके स्टॉक का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ अच्छी अनालिसिस मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। वीडियो की शुरुआत में मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आज मार्केट हुई 17,090 के आसपास ओपन, उसके बाद 17,050 का हमने बॉटम क्रिएट किया। वो बॉटम हमने पहले 1 घंटे में ही बॉटम क्रिएट कर दिया, उसके बाद उस बॉटम को हमने टेस्ट नहीं किया। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी का माहौल बना, बैंक निफ्टी का हाई था 39,447। फ्यूचर्स लेवल में बैंक निफ्टी का बॉटम देखिए फ्यूचर में तो करीबन 38,700 के आसपास था और अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी में आया 950 पॉइंट्स के आसपास का। उसी के चलते हुए निफ्टी का अगर मोमेंटम बने तो निफ्टी का जो मोमेंटम बना वो था करीबन 17,300 के आसपास का फ्यूचर लेवल्स का। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 17,225 के आसपास, जो बढ़िया लेवल है 17,325। कल या परसों जब भी हम क्रॉस करेंगे, जो कल ही शायद होगा क्योंकि आज शाम को टीसीएस के रिजल्ट से जो एक्सपेक्टेड है अच्छे आएंगे, और अगर टीसीएस का रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आईटी पैक चलेगा और आईटी एक बाजार में छोटा सा भी ट्रिगर ओवरऑल इंडेक्स को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। 17,325 के ऊपर सीधा बनेगा लेवल 17,400 के आसपास का। इस हफ्ते की एक्सपायरी दिख रही 17,400 की। ओवरऑल बुल्स के फेवर में अभी भी मार्केट है, बेयर्स के फेवर में नहीं है। बेयर्स के फेवर में मार्केट आएगी 16,900 के नीचे। तो जब तक हम 17,050 के लेवल्स को क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं देते हैं, 16,900 का लेवल हमें देखने नहीं मिलेगा। और आज के दिन पे अगर हम देखें तो इसीलिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक 17,050 के लेवल से देखने मिला। वीडियो की शुरुआत में मार्केट का एक ओवरव्यू के साथ यहाँ पे दो सर्विसेज का ओवरव्यू देना चाहूंगा जो आप प्रोवाइड करते हैं। एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव में जुड़ी है दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में 45 मिनट्स का सेशन। जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर लीजिए। दूसरा तरीका है एडवाइजरी प्रोडक्ट, 30 डेज 90 डेज दो तरीके के पैकेजेस। बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंट्राडे कॉल्स, डिलीवरी कॉल्स, एफएनओ कॉल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट किया जाएगा, मैनेज और साथ ही में डेटा बताया जाएगा टाइम टू टाइम आपको, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग की हेल्प होगी। लेवल्स बताए जाएंगे, डेटा बताया जाएगा, ऑप्शन डेटा बताए जाएंगे, सभी कुछ आपको इस एडवाइजरी प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी प्रोडक्ट में जुड़ जाइए, साथ ही में यूट्यूब लाइव में जुड़िए, डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आरती इंडस्ट्रीज के बारे में, कैसे आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने इन्वेस्टमेंट्स को टैकल करना है आरती इंडस्ट्री में, और आने वाले दिनों में आरती इंडस्ट्रीज कैसे आपको एक अच्छा मल्टीबैगर पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न देगा। और जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर की लेवल से करेक्ट हुआ है, करीबन 900 के लेवल से करेक्ट हुआ है, आने वाले दिनों में आरती इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन स्टॉक होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा एक बढ़िया मोमेंटम आ रहा है डीमर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में, और क्योंकि स्टॉक ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है तो एक टेक्निकली रिट्रेसमेंट भी स्टॉक में बनता है। आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्पेसिफिकली यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं मल्टीबैगर केमिकल स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज फिक्स रिकॉर्ड डेट फॉर डीमर्जर। जैसे मैंने कहा अगर आपके अकाउंट में 4 आरती इंडस्ट्रीज के शेयर है उसके सामने एक आरती फार्मा का स्टॉक आपको मिल जाएगा और ये रिकॉर्ड डेट है 20 अक्टूबर की। यानी 20 अक्टूबर तक जितने भी आपके अकाउंट में आरती इंडस्ट्रीज के शेयर है उसके सामने 4 शेयर के सामने एक शेयर आरती फार्मा का आपको मिल जाएगा। एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है डीमर्जर का आरती इंडस्ट्रीज और आरती फार्मा का, और इस डीमर्जर के चलते अच्छा खासा मोमेंटम आरती इंडस्ट्रीज में फ्राइडे के दिन पे देखा, थर्सडे के दिन पे भी हमने देखा था, 5 दिनों का बॉटम देखे
तो बॉटम है करीबन 760 का, हाईएस्ट पॉइंट है 793 का, एक महीने का बॉटम देखे तो हाई करीबन 747 के लेवल्स का, और हाईएस्ट पॉइंट देखे तो 920 का। तो 920 इसका हाईएस्ट पॉइंट था जहां से स्टॉक ने करेक्शन दिया है, और आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम में भी रहेगा। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखें तो आज के दिन पे 4 लाख का वॉल्यूम था, पूरे महीने में 9 लाख का एवरेज वॉल्यूम है, जिसमें से 3 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास 44%, डीआईएस की बात करें 15%, पब्लिक होल्डिंग से करीबन 29% के आसपास, और एफआईएस का होल्डिंग है 11% के आसपास। रिजल्ट अगर आरती इंडस्ट्रीज का देखें तो रेवेन्यू 970 करोड़ आया था इस बार इस जून क्वार्टर में, पिछले जून में था 1316 करोड़। इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 233 करोड़, पिछले साल था 207 करोड़, पिछले साल 160 करोड़ के आसपास, 160 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, इस बार आया है 189 करोड़ के आसपास। म्यूचुअल फंड डेटा, छोटी क्वांटिटी बाई हुई है लेकिन पॉजिटिव साइड में हुई है, दो म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया, एक म्यूचुअल फंड कंपनी सेल किया है, क्वांटिटी है बाइंग साइड में, क्वांटिटी है 10,850 शेयर्स के आसपास। लेवल्स 41 है इस समय RSI, MFI 32, यानी दोनों ही न्यूट्रल जोन से अब तक नीचे है, तो अच्छा खासा बाउंस बैक, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनता है। तो आरती इंडस्ट्रीज को अपने वॉचलिस्ट में लगाइए, अगर शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है तो 850 का रखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म 950 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटी में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है, आपकी ट्रेडिंग करना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एक्जैक्टली आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।